हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और स्वागत है आप लोगों को मेरे आज के नए ब्लॉग में। आज काफ़ी स्पेशल ब्लॉग है, रोड पे इंट्रो वीडियो शूट कर रहे हैं तो बगल में बॉस उस जाता है तो आवाज़ अच्छा से नहीं आ पाता है, लेकिन आज ये स्पेशल ब्लॉग इसलिए है क्योंकि आज मैं टीचर बन गया हूँ। मैं BPSC क्वालिफाइड कर गया हूँ, कड़ी मशक्क़त के बाद और काफ़ी तपस्या के बाद मैं BPSC कम्प्लीट कर गया हूँ। तो ये मेरे पीछे देख सकते हैं, ये मेरे गुरु जी है और पड़ोसी है और हम जो बोलिए, मतलब काफ़ी स्पेशल है मेरे लिए। और लालू जी है, ये कृष्णा है इधर, और ये सरवन है, ये राम प्रवेश जी है, और ये सारे लोग काफ़ी एक्साइटेड है मेरे साथ साथ। और तो अभी हम जा रहे हैं धवी, और मेरा गांव आप लोग जानते हैं कि मनसापुर है लौकी प्रखंड में, तो काफ़ी स्पेशल फील हो रहा है। तो स्पेशल फील कराने के लिए हम लोग जा रहे हैं धवी और वहाँ पर चलेगा मिठाई उठाएँ। और जो भी वीडियो देख रहे हैं तो वो भी कॉमेंट करिए, उनको भी मिठाई खिलाएंगे पक्का, चाहे जितना आदमी आइएगा उतना खिलाएंगे, चाहे जो हो जाए। तो ये मेरे लिए काफ़ी सबसे अलग हट के करेंगे और अभी ये पहला वीडियो डाल रहे हैं BPSC का। ऐसे कई ब्लॉग आएंगे जो जितना भी मेरा दोस्त है, सर्किल है, कौन कौन सब मेरे मतलब कलीग हैं, जो भी है सबका पार्टी शार्टी जो भी होगा, जो भी मतलब धार्मिक कार्यक्रम भी होगा, वो सब भी मैं आप लोगों को इस ब्लॉग के चैनल पर दिखाऊँगा। तो आप लोग मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। और चलिए अभी चलते सीधा धवी चौक पर और वहाँ पर रसगुल्ला का इन्जॉय करते हैं सब दोस्तों के साथ। ये पहला अभी है, पहला वीडियो शूट हो रहा है समझिए। धवी का जो मिठाई है वो काफ़ी स्पेशल है और नामी है, तो खुशी कितना हो रहा है तो बयान नहीं किया जा सकता है। काफ़ी स्पेशल फीलिंग्स है ये, और किसी के साथ भी ऐसा होगा तो ज़रूर वो खुश होगा। तो देखिए बगल में मेरे सर है यहाँ पर और पड़ोसी भी है लालू जी काफ़ी, तो अभी उनसे जानते हैं। तो आप बताइए आपको कैसा लगा? बहुत ही आज खुश हैं हम लोग क्योंकि बहुत दिनों के बाद ये देखने में मिला है कि हम लोगों के बचपन के दोस्त हैं, हम लोग साथ पढ़ते थे एक जगह, और अच्छा विद्यार्थी का रिजल्ट होता है तो और स्पेशल खुशी मिलती है, इसलिए हम लोग आज बहुत ज़्यादा खुश हैं। सुबह सुबह मॉर्निंग में हम जगाने के लिए स्पेशल थैंक यू और कॉन्ग्रेचुलेशन बोलने के लिए गए, बहुत अच्छा फील हुआ। इनके परिवार में सब रो रहे थे और ये हम लोगों के लिए भी एक भावुक पल था, बहुत अच्छा लगा। बहुत खुशी का आंसू जब आता है तो इतना अच्छा लगता है कि मत पूछिए, बहुत ही बढ़िया। और हम एक बार फिर से इनको बधाई देते हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू, थैंक यू। और अभी कहाँ जा रहे हैं? अभी धवी चौक जा रहे हैं, वहाँ मिठाई चलेगा, बहुत अच्छा। अभी सब लोग खुश हैं, हम लोगों का और भी साथी सब है, सब लोग जाके अभी मिठाई खाएंगे और सबको खिलाएंगे जो भी है परिवार में, आस पास में, पड़ोस में, और जो भी हमारे दर्शक हैं जो देख रहे हैं उनके लिए भी स्पेशल ऑफर है हमारे हम लोगों की तरफ से कि आए और हम लोग इनको सबको खिलाएंगे, जो भी आएंगे सबको खिलाएंगे, जरूर खिलाएंगे, आप लोगों को पक्का खिलाएंगे। आप लोग मिलिएगा और आप लोग तो मेरे बारे में जानते ही हैं कि हमेशा खास बनाते हैं, हर पल को खास बनाएंगे। यहाँ बगल में देख सकते हैं कि ये कृष्णा है, ये भी मेरा मतलब चचेरा भाई है, इसको TRE-1 में हुआ था, 1-5 वाला में, तो ये अभी दरभंगा में पोस्टेड है, तो अभी इनसे जानते हैं। तो बताओ, तुम भी बताओ कैसा लगा तुमको? ये तो मेरे बड़े भाई है लेकिन बड़े भाई के समान कभी नहीं उसको माने, एकदम क्लोज फ्रेंड है काफ़ी, और TRE-1 में कुछ ही नंबरों से इनका छूट गया था, TRE-3 में रिजल्ट हुआ है, हम लोग बहुत खुश हैं और इनका रिजल्ट सबसे पहले हम ही देखे हैं और एकदम 4 बजे सुबह जाके उठाए हैं, इसके लिए बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये इधर सरवन है, ये बेंगलोर में काम करता है, सेफ है ये, तो इनको भी अभी साथ लेके चले हैं, काफ़ी अच्छा लड़का है ये भी। और यहाँ देख सकते हैं ये भी मेरा पड़ोसी है राम प्रवेश जी, हम भी तो धन्यवाद देना चाहते हैं। हाँ, तो राम प्रवेश जी है, ये भी अपना बैंक में काम करते हैं अभी फ़िलहाल, और हम लोग अभी सब मिल के जा रहे हैं धवी चौक पर, काफ़ी स्पेशल मिठाई है वहाँ खाते हैं। ये शुरुआत है अभी, अभी अंत नहीं, इन्फिनाइट होगा, अंत नहीं कह सकते, इन्फिनाइट चलते रहेगा, तो मिलते हैं वहाँ पर सीधा। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि अभी हम लोग पहुँच गए हैं धवी चौक पर, और देखिए मेरे सामने यहाँ पर थोड़ा क्लोज लो, पूरा पास में लो थोड़ा देखो, हाँ यहाँ देख सकते हैं कि पूरा एकदम मिठाई आ गया। अभी फिलहाल 2 kg है, रियली जो बात है ये लोग तो 1 ही kg बोल रहे थे सर सर, लेकिन मैंने बोला कि इतना चलेगा अभी, तो अभी इसको खाते हैं पहले और आप लोग भी पार्टी खिलाएंगे, जितना भी आदमी आएंगे उन सब पार्टी रहेगा, सब इनवाइट रहेगा, स्पेशली रहेगा। तो फ्रेंड्स हम लोग जो है पूरा पार्टी शार्टी छोटा सा कर लिए है, और देख सकते हैं कि पैकिंग भी थोड़ा करा लिए मिठाई घर के लिए, क्योंकि वहाँ पे जो लोग आएंगे उनको भी खिलाएंगे। और देखिए पान तो सब आदमी पान खाए हैं, और अदरवाइज आप लोग कुछ नहीं सोचिएगा कि गुटखा उटका खाए हैं, और हम लोग मिथिला के हैं तो पान तो बनता ही है ना, तो
आप लोग को ये छोटा सा ब्लॉग देखने में कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा, और आप लोग भी आशीर्वाद दीजिएगा कमेंट में, आप लोग अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच। जय मिथिला, जय मैथिली।